ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 3 ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ 120 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। स्लो डाउन, क्योंकि मैं अटल जी की सरकार में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर था, इसलिए मूवीज थोड़ा लगाव मेरा है। तो ह्यूज बिजनेस बाय मूवीज, 2 अक्टूबर को 3 मूवीज रिलीज हुई और मिस्टर कोमल नाहटा हैं, बहुत बड़े फिल्म ट्रेड के हैं, आप जानती होंगी। उन्होंने कहा है कि द नेशनल हॉलीडे ऑफ 2 अक्टूबर सॉ अर्निंग ऑफ ओवर 120 करोड़ रिकॉर्ड बाई 3 मूवीज, वॉर और जोकर एंड सायरा। अब जब देश में इकोनॉमी थोड़ी साउंड है तभी तो एक दिन में 120 करोड़ रुपया रिटर्न आता है। देखिए, मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात कही है तो मैं ज़रूर आपके इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। ये एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है ना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड उसी का कटता है जो एम्प्लॉयमेंट में रहता है। सितंबर 2017 से जून 2019 के बीच 2.54 करोड़ पीपल रजिस्टर्ड हुए हैं, मतलब ये एम्प्लॉयड है। हमने 19 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना में 7.5 लाख करोड़ लोन दिया है। इसमें 19 करोड़ को आधा कर दीजिए तो आधा लोगों ने भी किसी एक को नौकरी दिया, स्वयं को स्वरोजगार किया, तो कितने करोड़ को नौकरी मिली। मैं देश का इलेक्ट्रॉनिक मंत्री भी हूँ, जब मेरी सरकार आई थी तो देश में सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, सिर्फ 2। अब देश में 268 मोबाइल फैक्ट्री है और भारत दुनिया की 2nd सबसे बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन गया है। 6 लाख लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष काम करते हैं। मैं उस रिपोर्ट को गलत कहता हूं और पूरी जिम्मेवारी के साथ NSSO ने जो मैंने इतने आंकड़े बताए उसको उसमें रखा है। मैंने आपको 10 नंबर बताए, सब प्रामाणिक नंबर है, एक नहीं है उनके रिपोर्ट में। क्यों नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, IT क्षेत्र में, मुद्रा लोन में, कॉमन सर्विस सेंटर्स में। हमने कभी नहीं कहा था सबको सरकारी नौकरी देंगे, वो भी नहीं कहते हैं।